हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सनली। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है वेट गेन टिप्स। आप लोगों को बताऊंगा। कुछ लोगों की बॉडी बहुत ही पतली होती है जिसकी वजह से वो कुछ भी खाते हैं उनको लगता है यार हमें कुछ भी नहीं लग रहा। वो लोग अक्सर कहते हैं यार हम कुछ भी खाएं हमें लगता नहीं है, हम लोग ज़्यादा वेट गेन नहीं कर पाते। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न आप लोगों की रूटीन हो सकती है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपनी रूटीन को जो इशू है उसको रिजॉल्व करना है कि आप लोगों की रूटीन जो है वो आप लोगों ने किस तरह ठीक करनी है। लाइक कुछ लोग होते हैं सुबह का नाश्ता ही 12 बजे करते हैं, जो कि एक बहुत बुरी हैबिट्स है। आप लोग अपना 12 बजे नाश्ता करते हो, फिर वही लड़का जो 12 बजे नाश्ता कर रहा है, फिर वही लड़का रात को रोटी खा रहा है जी, ठीक है, डिनर कर रहा है रात को। तो ये बहुत बुरी हैबिट्स है, इससे आप लोगों ने बचना है। तो आप लोगों ने वेट गेन कैसे करना है, क्यों आप लोगों ने ये चीज़ें ये अडॉप्ट करनी है कि आप लोग अपना वेट गेन जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। जो कि मैं एक न्यूट्रिशन का जो है वो कोर्स भी कर रहा हूँ, तो मैं ये सारी स्टडी जो है वो कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे मेरे पास जो है वो न्यूट्रिशन की चीज़ें हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, ठीक है। अगर बॉडी बिल्डिंग के साथ आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में न्यूट्रिशन का पता होगा, आप लोग उसको ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक बॉडी बिल्डर है तो वो गेम करता है, उसे पता है कि मैं एक दूध का गिलास पी रहा हूँ उसमें कितनी कैलोरी है, कितनी प्रोटीन है, मुझे इसका कितना बेनिफिट्स होगा, ठीक है। तो कितना मैं मिल्क की मकदार कितनी पीऊँगा तो मुझे वो इतना इफेक्ट करेगा, कितने मैं मिल्क की मकदार कम करूँगा मुझे उसका इतना इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारा एक न्यूट्रिशन को पता होता है। तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं उसके साथ अगर आप ये इन चीज़ों का नॉलेज रखते हैं तो आप लोग अपना वेट गेन काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, फिर वो चाहे वेट गेन हो फिर वो चाहे वेट लॉस हो। तो इस चीज़ों का ख्याल रखने के लिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वो किन किन न्यूट्रिशन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपकी बॉडी जो है वो दिनों में ग्रो करेगी और दिनों में ही आपका जो वेट है वो रिड्यूस भी होगा और गेन भी होगा, ठीक है। अब जो कि मैं खुद वेट गेन कर रहा हूँ, मैंने एक कॉम्पिटिशन खेलना है आगे 2022 में, तो पहले मैं अपना वेट जो है वो गेन करूँगा, ये बॉडी बिल्डिंग स्ट्रेटजी होती है, उसके बाद मैं अपना जो है वो वेट लॉस करूँगा। तो हम वीडियो के टॉपिक्स की तरफ आते हैं कि हम लोगों ने वेट गेन करना है, क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। तो दो तरह का वेट गेन होता है जी। पहला वेट गेन वो होता है जो बिल्कुल बल्की टाइप, कुछ मसल नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल एक मोटा, वो आप लोगों ने कभी भी नहीं करना, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा उस तरह के बनने की सोचेगा भी नहीं। और एक वेट गेन होता है जिसमें आपके थोड़े से मसल्स भी ग्रो करते हैं और साथ साथ आप अपना जो है बॉडी का वेट भी गेन करते हो, ठीक है। तो कोशिश करें आप लोगों ने चीज़ों को प्रेफर करना है। तो मैं जब भी वेट गेन की बात करता हूँ मेरे जेन में हमेशा वो लड़के आते हैं जो बिल्कुल पतले होते हैं, जो खाते हैं लेकिन वो कहते हैं यार लगता नहीं है। तो मैंने बताया उसकी रूटीन ठीक करनी है। यहाँ कुछ लोगों को कुछ डायबिटीज़ की इशू या इस तरह के इशूज़ होते हैं जो वो ख़त्म नहीं कर पाते, अपना वेट गेन नहीं कर पाते, ठीक है। तो वेट गेन करने के लिए मैंने सुपर फास्ट जो है वो चीज़ें रखी हुई हैं आपका जो है वो, उसमें सबसे पहले आप लोगों ने यूज़ करनी है स्मूथीज़ वेट गेन के लिए बहुत ही अच्छी है। स्मूथी से मुराद आप लोगों ने एक दूध का गिलास लिया, उसमें खजूरें कुछ डाली, ठीक है। अब देखें ना, आप लोगों ने वेट गेन करना है तो आप लोगों ने उन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब एक दूध का गिलास और मैंने कहा कि कुछ खजूरें डाली, और जो न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं वो कुछ खजूरें से मुराद है वो 3-4 जो है वो खजूरें डाल लेंगे। अब ऐसा नहीं करना आधा किलो खजूरें ही डाली आप लोगों ने 1 किलो दूध में और सारा वो पी लिया, इससे आपको नुकसान होगा। ये आप लोगों का ज़्यादा आप लोग चीज़ कैरी कर रहे हो, उतनी आपको मकदार की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने यूज़ करना है परफेक्ट तरीके के साथ, उस चीज़ों को यूज़ करना है जिससे आपको पता चलता रहे, ठीक है। तो आप लोगों ने स्मूथीज़ को यूज़ करना है। सुबह जब आप उठें सबसे पहले आप स्मूथीज़ को ट्राई करें, ठीक है। स्मूथी से मिला आपने एक मिल्क का गिलास, ठीक है, उसमें 2-3 खजूरें, ठीक है, उसमें आप लोगों ने हनी थोड़ा सा डाल लेना है या आप लोग पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसमें जो है वो बनाना भी यूज़ कर लें, ठीक है।
ठीक है, तो उसको आप मिक्स करके पी लें। अभी आप लोगों का ब्रेकफास्ट स्टार्ट नहीं हुआ, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्मूथीज ट्राई की है, ठीक है। देन फिर आप अपना ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे। अगर तो बॉडी बिल्डिंग में आना है या बॉडी बिल्डिंग करनी है, सबसे पहले आप लोगों की चीज़ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट होगा देन आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आप लोगों की रूटीन ठीक हो जाएगी। मैंने सुबह 6 बजे उठ के जो है वो स्मूथीज पी ली है, मैंने 7:30 या 8 बजे के दौरान नाश्ता करना है, तो आप लोगों की रूटीन सेट हो जाएगी, तो देन फिर ही आप अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट देखोगे। इसलिए टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है आपका। तो आप लोगों ने जब जो है वो स्मूथीज़ को यूज़ करना है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल दूध का करना है। दूध आपको बहुत अच्छी प्रोटीन देता है, प्रोवाइड करता है, आपको उसमें कैल्शियम मिलता है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने मिल्क का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इससे आपको क्या होगा, आप लोगों को एनर्जी मिलेगी, ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है वो एनर्जी को बूस्ट करोगे। उसके बाद आप लोगों ने चावलों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चावलों का इस्तेमाल आप लोगों को करना है 2 किस्म का। एक होता है बिरयानी टाइप, वो आप लोगों ने कम खानी है, मैंने आपको बताया 2 किस्म के वेट गेन होते हैं। एक होता है अनहेल्थी, बहुत ज़्यादा बल्कि मोटा फुल, और एक होता है मसल के साथ गेन करना। तो आप लोगों ने चावल की मकदार को कम, मकदार में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने थोड़ी सी प्लेट, इस तरह नहीं 3 प्लेट चावल की खा ली तो जी वाह मज़ा आ गया, इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने। तो तीसरे नंबर पर क्या चीज़ आ रही है, वो सबसे ही इम्पोर्टेंट है, जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग में मैंने अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ किया है वो है मीट, रेड मीट आप लोगों ने यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा समराध, ये नहीं एक दिन में 1 किलो खा लेना, बहुत ज़्यादा समराध है, रेगुलरिटी के साथ मैं खाता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मेरा वेट भी इससे गेन हुआ है, मुझ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने फील की है वो मैंने इसमें पावर फील की है, इसमें मैंने पावर काफ़ी फील की है। वो डम्बल या वो स्क्वाट्स जो मुझसे पहले लगती थी, 3 माह पहले 80 kg के वेट लगता था, मैं वो 120 से भी अबव का वेट उठा लेता हूँ ईजिली बाई जी रेड मीट। वो मुझे फील भी होता है कि मैंने इसको खाने के बाद मुझ में इतनी पावर आई है। तो इन सब चीज़ों में आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना, आप लोगों ने उसकी जो है वो एक तो होती है इसकी मकदार, ठीक है, और उसका टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं करना सुबह उठते ही आप लोगों ने मीट खा लेना है जी, इसका आपको इतना बेनिफिट्स नहीं होगा जितना आपको उसका दोपहर में खाने में होगा, क्योंकि आपका तब मैदा जो है वो स्टार्टिंग वर्किंग में होता है, आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, आप लोग का वर्किंग में होते हैं दोपहर के टाइम। फोर्थ नंबर चीज़ पे वो है आपकी पोटैटोस, आलू, ठीक है, वो आप लोगों ने खाने हैं, ठीक है, मकदार के हिसाब से बेशक 1 दिन में 200 ग्राम खा लें, ठीक है। और एक आता है थोड़ा सा डिफरेंस, कुछ लोगों को आलू का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, वो कर सकते हैं स्वीट पोटैटोस, वो स्वीट पोटैटोस को भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगी, आप लोगों को एनर्जी फील्स होगी, ठीक है, तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के जो सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्स है वो रेड मीट तो था, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों ने इसके साथ अंडे भी यूज़ करने हैं। सुबह नाश्ते में आप अंडे यूज़ कर सकते हैं, एक्सरसाइज के बाद आप अंडे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका प्रोटीन सोर्स होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। 25 मिनट्स तक आप लोगों का जो मैदा है वो ज़्यादा फास्टली वर्क करता है, जब आप अपनी एक्सरसाइज करके ख़त्म करके फिनिश करके घर आते हो तब आपका जो मैदा है वो ज़्यादा वर्किंग फास्ट करता है। तो आप लोगों ने तब कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें, ठीक है। अगर तो आप प्रोटीन जो शेक है उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो इजीली आप उसको यूज़ करें, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप इसमें वो चीज़ें यूज़ करें जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, लाइक मैंने स्मूथी का जिक्र किया है, एक बार स्मूथी मॉर्निंग में पिए, एक बार एक्सरसाइज के बाद पिए, मैं गारंटी के साथ देता हूँ आप लोगों को इसका इफेक्ट ज़रूर होगा। और जो सबसे ज़्यादा जो मैं दिली बात करना चाह रहा हूँ कि मैं अगर वेट गेन किया है जितना भी हुआ है, ठीक है, मेरा वेट था जी 72, ठीक है, मैंने 3 महीने में 90 वेट कर लिया, मेरा 90 पूरा वेट है इस वक्त, ठीक है। तो पहले मेरी वीडियो अगर आप लोग जाके देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा स्लिम नज़र आऊँगा, फिर मैंने वेट गेन किया बाय यूजिंग नेचुरली सप्लीमेंटेशन, स्टीरॉइड्स की बात नहीं कर रहा। तो मैंने उन चीज़ों को ख्याल रखा कि मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक की है और मैंने अपना जो है वो डाइट को बिल्कुल एक डेफिसिट के साथ यूज़ किया। डेफिसिट की मुराद ये है कि आप लोगों ने इतनी मकदार इतने बजे खानी है, इतनी मकदार इतने बजे खानी है, तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल लाजमी रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो आप लोगों की टाइम और ये डाइट, और डेफिसिट के हिसाब से इतनी आप लोगों ने खानी है। सबसे अच्छा जो इफेक्ट मुझे डाला है वेट गेन में वो मुझे डाला है जी रेड मीट ने और एग्स ने, ठीक है। और मैं ब्रेड्स भी यूज़ करता था मॉर्निंग में, ब्रेड के साथ अंडे, फिर आप लोगों ने वो स्मूथी जो बनाई वो भी मैं पी लेता था, क्योंकि मेरी आदत थी मुझे भूख बहुत जल्दी लगती थी, मैंने जितना कुछ भी मेरे से खाया जाता था वो मैं खा लेता था ईजीली, ठीक है। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है, अगर तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा पतले हैं
तो ट्राई करें कि आप लोग अपनी मैनेजमेंट की तरफ गौर करें, क्या आपकी मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है? अगर तो ठीक है तो फिर क्यों नहीं हो रहा वेट गेन? उसके रीज़न में कुछ लोगों को गले का मसला होता है जी, वो उनकी वजह से खा नहीं पाते, या कुछ लोगों का वैसे ही बहाना होता है, या मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, यार मुझसे नहीं पिया जा रहा, दूध नहीं पिया जा रहा, बहुत से लोग दूध नहीं पीते, ठीक है, तो मैं उनको कहता हूँ अगर आपसे नहीं पिया जा रहा तो आप मुझे ला के दे दें, मैं पी लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वाली स्कीम भी यूज़ करनी है, और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो बहुत ही पतले लोग हैं वो खाएँ। अगर आप लोग बहुत ही पतले हैं तो इसमें कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों ने हर वक्त माइंड की बात में करा था, माइंड आपका इतना शार्प होना चाहिए, एक्सरसाइज जब आप करते हैं ना तब आपका माइंड ऑटोमेटिकली शार्प हो जाता है। वो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, एक कोल पढ़ा होगा कि एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। जितना आपकी सेहत अच्छी होगी आपका माइंड भी उतना ही ज़्यादा फास्टली वर्क करेगा। तो माइंड की वैसे ही बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो वेट बिल्कुल उनका हल्का सा होता है, 60 kg लाइफ 55 kg 50 kg, तो वो इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि हमारा वेट गेन हो जाए। तो वेट गेन करें, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका माइंड वर्क करेगा। माइंड वर्क किस तरह करेगा कि आप लोगों ने हर वक्त यही सोचना है कि मैंने वेट गेन करना है। वेट गेन जब आप करने की सोचोगे देन ही आपका वेट गेन होगा, ठीक है। अगर आप नहीं सोचोगे, बस ठीक है खा लिया, फिर दोपहर को देखेंगे जो मिल गया मिल गया। जो बॉडी बिल्डर होता है उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है मैंने ये खा लिया, मैंने रेड मीट खा लिया, इसे 2 घंटे बाद मैंने क्या खाना है, ठीक है, इसके 2 घंटे बाद मैंने स्वीट पोटैटो खानी है, कुछ भी खाना है। तो इनकी यही चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए इनकी बॉडी ग्रो करती है दिनों में। और हम जाकर पूछते हैं यार तुम क्या खा रहे हो, तुम्हारा बॉडी बड़ी जल्दी ग्रो कर रही है, तुम क्या खा रहे हो, तुम्हारी बॉडी जो रिड्यूस बहुत जल्दी हो रही है। इसमें इन चीज़ों का आप वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट होता है, और आपकी जो एक्सरसाइज होती है उसके रेपिटेशन, वो सारी चीज़ उसमें काउंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें सभी का आप लोगों ने ख्याल रखना है, तो आपका मैं इंशाल्लाह ताला आपका वेट भी गेन होगा, और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि इन चीज़ों से ये हो रहा है, इन चीज़ों से ये हो रहा है, मेरी बॉडी किस तरह ग्रो किन डाइट्स के ऊपर कर रही है जल्दी। अब जैसे मेरी जो वेट है वो बड़ी जल्दी ग्रो होता है जब मैं यूज़ करता हूँ रेड मीट। जब भी मैं रेड मीट छोड़ता हूँ, ठीक है, तब मेरा जो वेट है वो स्टिल रह जाता है, लेकिन मेरे पास वो पावर नहीं आती जो मैं रेड मीट खाने के बाद जो मेरे में आती थी, ठीक है। तो ये मुझे पता चलना शुरू होता है आपकी बॉडी में इसका फ़ायदा है इसका नुकसान है, इन चीज़ों का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। तो इन पर इंशाल्लाह ताला मैं प्रॉपर वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों की, जितनी भी सारा मैं चाह रहा हूँ। अब मैंने USA ये 2 कोर्स किए हुए हैं, एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का किया हुआ है, और एक मैंने वेट गेन का जो किया हुआ है, वेट गेन क्वान्टिटीज़ आप लोगों की क्या क्या होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो मैं चाह रहा हूँ अब मैंने किए हैं जो मेरे भी भाई दोस्त सारे जितने भी हैं वो सारे उन चीज़ों का जो है वो फ़ायदा सीख लें। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को हर चीज़ के बारे में गाइड करने की, एक अंडा है उसमें क्या है, एक ऑरेंज है उसमें क्या है, इसमें क्या है, हर चीज़ के बारे में जो हम खा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है वेट गेन टिप्स का, तो देन फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करेंगे। तो अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो कि मेरा वेट इतना है मैं गेन नहीं कर पा रहा, या मेरा वेट इतना है मैं कम करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें, मैं आप लोगों को ज़रूर इसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए फूड्स के रिलेटेड, बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड, सप्लीमेंटेशन के रिलेटेड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं आपको मज़ीद गाइड और करूँगा।